जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक टेस्टी केक बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको चाहिए सूजी, मैदा, चीनी, रिफाइंड तेल, इसके जगह आप बटर भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मीठा वाला सोडा, दही, आम जो पीसेस कटा हुआ है, और दूध। दूध हमने आधा कप लिया है। देखिए फ्रेंड, अब इसे हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। इस तरीके से आप इसमें आम कटा हुआ लीजिए, उसके बाद ये आधा कप दूध लिए थे इसको आप डाल दीजिए। ये दूध इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये पेस्ट खूब स्मूथ और अच्छा सा बन जाए। उसके बाद आप चीनी डालिए। चीनी आप इसमें पीस लेंगे तो आराम रहता है, इसमें मेल्ट हो जाएगा, इसलिए आप चीनी, दूध और आम तीनों साथ में मिला के पीस लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे पीस लेते हैं। एकदम स्मूथ और पतला पेस्ट। अब चलिए हम केक का बैटर बना लेते हैं। पहले आप इसमें सूजी डालिए। सूजी हमने इसी कटोरी से नाप के लिए हैं। ये मैदा है आधा कटोरी। सूजी मैदा से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद इसे मिला लीजिए। ये बेकिंग पाउडर है, ये अक्सर केकों में यूज होता है। बेकिंग सोडा है, मतलब खाने वाला सोडा। ये दही है, बड़ा वाला चम्मच, एक चम्मच। ये रिफाइंड तेल है, दो चम्मच हमने डाला हुआ है। और आप इसके जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। ये वेनिला एसेंस है, ये सिर्फ फ्लेवर के होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे बस एक दो बूंद बस उतना ही डालना है। आप इसे खूब अच्छे से मिला लीजिए पहले, ताकि हर जगह ये मिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमने पीसा था प्यूरी, उसे आप इसमें मिलाइए। ये आम का प्यूरी है, जिसे हमने चीनी, दूध मिला के पीसे हुए हैं। आप धीरे धीरे डालिए ताकि गुठलिया उसमें ना पड़े और खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। एक साथ डालने में मिक्स नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप उसे धीरे धीरे डालिए। आराम से इसे मिलाइए, अच्छे से बेटर बनाइए, स्मूथ एकदम। फ्रेंड्स देखिए, ये पेस्ट तैयार हो गया है केक का। अब इसे हम मोड़ में भरते हैं। फ्रेंड्स जिसमें आप भरना चाहेंगे उसमें पहले आप तेल लगा लीजिए। देखिए इस तरह का कप है हमारे पास, हम इसमें भर रहे हैं। आप चाहिए तो कटोरी में भी आप भर सकते हैं, उसी तरीके से निकलेगा। आप सब में तेल अच्छे से लगाइएगा, उसके बाद इसमें भरिएगा। हमने पहले से लगा रखे हैं, अब इसमें आप भरिए। आधा रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि वो फूलेगा, इसलिए आप थोड़ा आधा आधा इसमें भरिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी आता है मार्केट में भी, वो आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा और प्यारा केक बनता है, स्वादिष्ट भी रहता है बाजार की तरह एकदम। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें चॉकलेट डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरीके से आप अंदर पूरा चॉकलेट का पेस्ट होता है वो डाल दीजिए, और नहीं तो आप चॉकलेट को पिघला के भी अंदर डाल सकते हैं, जो आपके पास डार्क चॉकलेट हो ब्राउन में वो। उसके बाद उसके ऊपर आप पेस्ट फिर से डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है एकदम। उसे कवर कर दीजिए। इस तरीके से आप जितना भी चाहें आप कटोरी में बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये चॉकलेट है, इसे हम इसमें डाल रहे हैं। आप कोई भी चॉकलेट आप इसी तरीके से पीस पीस काट के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद अब इसे हम रखने चल रहे हैं पकाने के लिए।
ये हमने भंगोना रख दिया है, गैस चालू कर रहे हैं। अब इसमें हम केक रखने वाले हैं। पहले आप इसमें पानी डालिए। जैसे आप इडली बनाते हैं बस उसी मेथड से ये बनाना है। उसके बाद आप ये ऐसी जाली हो आपके पास तो रखिए, उसके बाद ये छेना वाला प्लेट हो तो उसके रख दीजिए। इस तरीके से आपके पास जाली वाला प्लेट हो तो आप उसको रखिएगा, मतलब ऐसे जाली जाली बना रहे कोई भी प्लेट आपके पास हो, बस छेना छेना रहे ताकि इससे भाप निकलता रहे। उसके बाद आप इसे प्लेन एक ये रख दीजिएगा, प्लेन प्लेट, नीचे छेना रहेगा उस भाप से आपका ये केक पकेगा। उसके बाद आप ये जो बनाई है केक उसको आप रखिए इस तरीके से। आप चाहें तो स्टील के कटोरी में भी ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, कुछ भी आप रख सकती हैं, कोई बड़ा बर्तन भी आप चाहें तो इसमें रख सकती हैं। उसके बाद इसे ढाक दीजिए, ऐसा ढाकिएगा कि भाप इसी में रहे बाहर ना निकले। उसके बाद इसे जो आप गैस रखेंगे उसका फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिएगा और बीच में आप चेक करते रहिएगा कि जले नहीं। देखिए हमारा ये केक तैयार हो गया है, देखिए कितना सॉफ्ट है। आप ऐसे जब टच करेंगे देखिए हाथ में लगेगा नहीं, मतलब ये हो चुका है। उसके बाद आप एक स्टिक लीजिए ऐसे डालिए, देखिए एकदम सॉफ्ट निकल रहा है, मतलब ये आपका हो चुका है, चिपचिपा नहीं है, मतलब केक आपका हो चुका है। अब इसे आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। देखिए ये हमारा केक तैयार हो गया है, अब इसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए बहुत आराम से, देखिए कितने आराम से निकल गया। देखिए आराम से एकदम निकल गया, देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे हम सजाने चलते हैं, ठंडा करके ही तभी निकालिएगा। चलिए अब इसे हम सजा लेते हैं। देखिए ये क्रीम है, इसे आप क्रीम घर में भी बना सकते हैं। जो मलाई होता है उस मलाई को लीजिए और उसे खूब फेंट लीजिए चीनी डाल के, पिसा हुआ चीनी, आपका क्रीम घर पे तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप क्रीम आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को जेम्स बहुत पसंद है इसलिए आप जेम्स भी सजा सकती हैं और टूटी फूटी भी डाल सकती हैं, मीठा वाला सौंफ भी डाल सकती हैं, जो पसंद आए आप उस तरीके से आप इसे केक को सजाइए। जो भी आपके पास व्हाइट वाला चॉकलेट उसे घिस के आप डाल सकती हैं। देखिए ये हमने कटोरी में डाले हुए हैं, अगर आपके पास कप नहीं है तो आप इस तरीके से कटोरी लीजिए छोटी सी, तेल लगाइए और उसमें भी आप ये पेस्ट केक वाला डालिए और देखिए कितने अच्छे से ये निकल जाएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट और एकदम इजीली से निकल जाता है। अब इसे आप सजा लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।